131वीं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कलेक्ट्रेट परिवार के सदस्यों के साथ बाबा साहब के जीवन पर आधारित एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कलेक्ट्रेट परिवार के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब के मूल मंत्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। बाबा साहब ने सभी लोगों को समानता का अधिकार देने के उद्देश्य से संविधान को लिखा है। सभी लोगों को अपने जीवन में उनके विचारों को चरितार्थ करना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व दयानंद प्रसाद, अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं कलेक्ट्रेट परिवार के लोग उपस्थित रहे। देश को उसको चरितार्थ करने का, उसको आत्मसात करने का, उसको पुनः स्मरण करके अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में उसको चरितार्थ करने का दिन है। आज बाबा साहब के उन मूल मंत्रों को हम लोग रिविजिट करें, हम सोचें समझें कि उन उद्देश्यों से, जिस उद्देश्य से, जिस विजन के साथ में उन्होंने इस देश को एक दिशा दी थी, संविधान अर्पित किया था। और ये बात खुद बाबा साहब ने कही है कि जो संविधान है वो केवल वकीलों के लिए कोई दिया हुआ दस्तावेज नहीं है, ये हमें अपने जीवन जीने का माध्यम बनाना है। तो क्या हम सही मायनों में इस बात को चरितार्थ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक आत्ममंथन मैं चाहूंगी कि आज के इस दिवस में हम सब अपने अपने जीवन में करें। देखिए, बहुत डिफिकल्ट समय था, जब वो समय हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जब हम लोग एक किसी के द्वारा शासित देश थे, बाहर से ब्रिटेन के द्वारा शासित देश थे और हम किसी के अधीन थे। हम लोगों ने तमाम लिटरेचर पढ़ा है, कई मूवीज के माध्यम से देखा है, लेकिन उस समय में रहने वाले उस परिदृश्य को, उस परिवेश को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट वो समय रहा होगा। और उस समय इस दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उस परिवेश में, और जब अभी आपके मेरे साथी किसी वक्ता ने इस बात को कहा है कि आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ ना कुछ असहिष्णुता अभी भी व्याप्त है, कहीं ना कहीं हम लोग विफल हो रहे हैं उन सिद्धांतों को अपने जीवन में चरितार्थ करने में। तो हमें आज इस दिवस पर इस बात को आत्मसात करना चाहिए, इसका मंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि किन मूल्यों पे हम चल रहे हैं और किन मूल्यों से हम भटक गए हैं। संविधान में सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स की ही नहीं, बहुत कुछ हमारी ड्यूटीज की बात की है। और जो हमारा संविधान है वो अपने आप में ऐसा इतना समेकित डॉक्यूमेंट है जो हमें अपने जीवन को किस तरीके से, किस दिशा में बनाना है, उसके बारे में कई चीजों को हम लोग उस संविधान से डिराइव कर सकते हैं और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। महिलाओं की बात करें, समानता के अधिकार की बात करें, समाज में व्याप्त कुरीतियों की बात करें, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज है, एनवायरमेंट के प्रति क्या ड्यूटी है, समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, एक राष्ट्र के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने शायद राष्ट्र का जो भाव है उसको बीज दिया, उस सीड जो है उनके द्वारा दिया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं एक इंडिविजुअल या कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हूँ, मैं एक इंडियन पहले हूँ। तो राष्ट्र का जो भाव है वो उनके तमाम स्टेटमेंट से आप डिराइव कर सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम का भाव भी उनके द्वारा दिया गया। संविधान के इस डॉक्यूमेंट को मैं चाहूंगी कि हम लोग बाबा साहब को पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि तभी देंगे जब हम इस डॉक्यूमेंट को अपने जीवन जीने का सही माध्यम बनाएंगे। इसमें दिए हुए हर चैप्टर में जिस तरह की जो उसकी एसेंस है, जो उसकी आत्मा है, उसको अपने अंदर आत्मभूत करेंगे, तब जाकर सही मायने में आज के इस दिवस पर हम अपने इतने प्रतिभाशाली, इतने दूरदर्शी, इतने महान व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आज यहाँ पर जो बैठे सभी भाई और बहने, आप सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के सिस्टम को, आपकी प्रेजेंस, आपके द्वारा काम
जो किया जाता है उससे स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन हम अपना जो मेरा बार बार आपसे इस बात पर मैं इस बात को दोहरा इस रही हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, क्योंकि मैं चाहूंगी कि जो सिद्धांतों की बात हम एक दिवस में करते हैं उसको अगर हम अपने जीवन में उनको उतार लें और अपने डेली के जीवन में उतार लें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस बात को बात को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हमें जो श्रद्धांजलि देने का एक सिंबॉलिक कार्यक्रम हम ना करते हुए इसको अपने जीवन में अपने नित्य जीवन में इसको रेप्लिकेट करेंगे। और मुझे आशा भी नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एक कलेक्ट्रेट परिवार का यहाँ पे जो काम आप कर रहे हैं संविधान की कई चीजों को आप लोग लागू करवा रहे हैं लोगों के लिए, नित्य आप उनकी समस्याओं का निपटान कर रहे हैं, उसमें जो आपकी भूमिका है उसको और सुदृढ़ तरीके से निभा पाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ पुनः आज के इस दिवस की, बाबा साहब के जन्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।